नमस्कार। आज देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में रवि रंजन जी एडमिट हुए हैं और ये बिहार से हैं, इनको सीए लीवर है। रवि जी टाटा मेमोरियल में अपना इलाज करा चुके हैं, इम्यूनोथेरेपी ले चुके हैं, लेकिन उससे इनको रिलीफ नहीं हुआ और एक निराशा थोड़ी सी इनको लगी। किसी ने देवी अहिल्या के बारे में बताया, एक इलेक्ट्रोमोपैथी डॉक्टर ही हैं, उन्होंने बोला कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल में जाइए और ये यहाँ आए। 7 दिन का हमने ट्रीटमेंट दिया है। 7 दिन के ट्रीटमेंट में रवि जी बताएंगे किस तकलीफ से आए थे और अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। जी रवि जी। मैं तो आया था तो उस वक्त बहुत मैं परेशानी में था जी, मतलब लूज मोशन जी और उल्टी होता था जी और दर्द से बेचैन रहता था मैं जी। मैं यहाँ आया तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ जी, बहुत ढंग से। अब कोई दर्द नहीं है जी, सब ओके है। भूख आपको नहीं लग रही थी? भूख नहीं लग रही थी, वो भी लगने शुरू हो गई। पूरा दिन कुछ नहीं खाते थे जी, आधा रोटी खाते थे बस, बोलते थे अब हटाओ। फ्रूट भी पहले खा लेते थे, अब तो वो भी बंद हो गया था। जब से मेडिसिन काम करना बंद किया तब से वो भी बंद हो गया। आप रवि जी की पत्नी हैं, आप इनको टाटा मेमोरियल लेके गई थी, तो क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि जो बीमारी है उसका हम इलाज करेंगे, लेकिन इसका कोई हम गारंटी नहीं लेंगे कि ठीक हो ही जाएगा जी। आप ऐसा अगर बोलते हैं तो हम इलाज शुरू करते हैं जी। तो फर्स्ट बार में हम लोग इमरजेंसी में ले गए थे, हम लोग को करवाना नहीं था जी। तो करवाए कि ठीक है सर करिए, जब तक के चलेगा, जब तक काम करेगा मेडिसिन आप इलाज शुरू करिए जी। तो इलाज शुरू किए फर्स्ट बार में तो काम किया कुछ दिन, उसके बाद सेकेंड बार में दवाई काम करना बंद कर दिया जी। उसके बाद जब डॉक्टर से बोले कि सर दवा काम करना बंद कर दिया, तो उनका कहना है कि ये आप ही के साथ सिर्फ नहीं हुआ है, सारे लोगों के केस में ऐसा ही होता है जी। तो उन्होंने अब काम करना बंद कर दिया, तो इसका कोई उपाय आगे क्या करना है? तो आगे फिर मेडिसिन चेंज करेंगे, फिर उन्होंने टेबलेट लिखा। इसके पहले फर्स्ट बार में इम्यूनोथेरेपी से उन्होंने इलाज शुरू किया था जी, और फिर सेकेंड बार में टेबलेट लिखा। तो टेबलेट के बारे में भी पूछे कि ये तो काम करेगा ना, इससे तो ठीक हो जाएगा, तो इसका भी हम नहीं बता सकते हैं कि कब तक काम करेगा जी। इनको दर्द भी बहुत रहता था हाँ। दर्द, लूज मोशन, वॉमिटिंग हाँ, हाँ। उसके लिए उन्होंने मेडिसिन आपको कुछ हाँ, दी थी? इसके बारे में भी जब वो दवा उन्होंने शुरू की फर्स्ट बार में तो वो सब ठीक हो गया था, लेकिन जब से टैबलेट खाना शुरू किए जी इनको ये सब चीज होने लगा, साइड इफेक्ट उसका। और इसके बारे में जब डॉक्टर से बताया तो बोले ऐसा होता है, उसका हम पेन किलर लिख देते हैं और वोमिटिंग का भी सब कुछ का दवा लिखती है जी। और वो दवा जब खाना शुरू किए तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा, भूख एकदम खत्म हो गया, लीवर भी बढ़ गया बहुत ज़्यादा जी। अभी आप लेके आई तो यहाँ पे हमने पेन किलर इनकी बिल्कुल बंद कर दी हाँ, है ना, लूज मोशन वॉमिटिंग के लिए कोई भी एलोपैथी ड्रग्स नहीं दी नहीं। तो आप, हमने अपनी इलेक्ट्रोमोपैथी मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया, तो उसके बाद क्या राहत महसूस कर रहे हैं आप? उसके बाद तो बहुत राहत है जी, दर्द तो बिल्कुल खत्म हो गया है जी, और ये सब वॉमिटिंग भी खत्म हो गया, लूज मोशन भी कुछ नहीं, बस सुबह में एक बार जाते हैं और भूख भूख हाँ, भी लग रहा है, बराबर खाना खा हाँ, पा रहे हैं हाँ, भूख भी लग रहा है अच्छे से जी। आप महसूस कर रही हैं कि 7 दिन में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं हाँ, जी हाँ, 7 दिन में अच्छे। रवि जी, आप जब देवी अहिल्या में आए थे, जिस कंडीशन में आए थे, उस कंडीशन में और आज की कंडीशन में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आप अभी, आपको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि आप इस बीमारी से गुजरे हैं या ये बीमारी आपके अंदर थी, बिल्कुल आप स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ऐसा हम भी फील कर पा रहे हैं। मैं आप ही के वीडियो के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि चाहे टाटा मेमोरियल हो, एम्स हो, सभी जगह के, जहाँ पे सब जगह से निराशा हाथ लगती है, तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल ऐसे पेशेंट्स को हाथों हाथ लेता है और उन्हें क्योर करने की कोशिश करता है, और उसका रिजल्ट आप सामने रवि रंजन जी को देख रहे हैं। धन्यवाद। ये हम लोग ना जी, जब से डॉक्टर ऐसा बोले जी, बिल्कुल निराश हो गए थे जी, कि ये आप, हम तो इलाज ही कर सकते हैं जी,
और ये आपके हाथ में है कि आप कब तक इलाज करवा सकते हैं। आप जितने दिन इलाज करवाओगे, एक बार ट्रीटमेंट होगा तो उससे 6 महीना साल भर जी वेज बढ़ेगा, ऐसा बोल दिए। जब से पूरे निराश, पर अभी यहाँ आने के बाद निराशा कम हुई है आपकी? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपकी निराशा कम हुई है। जी रवि जी, हम आपको 1 मंथ का मेडिसिन देके डिस्चार्ज कर रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल हमने आपको बता दिए हैं, कैसी डाइट लेना है, कैसे मेडिसिन लगाना है, कैसे खाना है। ईश्वर चाहेगा तो आप बहुत कम उम्र में हैं अभी, तो ईश्वर चाहेगा कि आपकी उम्र लंबी हो और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। धन्यवाद। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल। 2020 में हुए एक सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 18 मिलियन से ज्यादा कैंसर के मरीज हैं, जिसमें से सिर्फ भारत में 2022 में हुए सर्वे के मुताबिक इनकी संख्या 14 लाख से ज्यादा है। लेकिन विडंबना यह है कि कई बार गलत इलाज और सही डॉक्टर का चयन न हो पाने की स्थिति में मरीज की दुर्गति हो जाती है और वो दर्द एवं लाचारी में फंस जाता है और जीवन जीने की उम्मीद खो देता है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल ने ना उम्मीदी और बेबसी को दूर कर आशा की एक किरण जगाई, जहां लाखों लोगों ने पाया कैंसर का समाधान, कैंसर के दर्द से मुक्ति, कैंसर के घाव से राहत, वो भी बिना किसी सर्जरी और कीमोथेरेपी के। मैं खाना नहीं खाती थी, असहनीय जगह, उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, पानी भी पचाना मुश्किल था मेरे को। मुझे जो कैंसर हुई और मैं दौर से जो गुजरे, तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं ठीक होंगी। एक हफ्ता में जब मैं बिल्कुल स्वस्थ पड़ा लगा, तो मुझे आराम हो गया, दर्द तो मेरा खत्म हो गया। 3 दिन में मैं खाना चालू हो गया, पानी पीना चालू हो गया मेरा। अभी 6 महीने में पूरी स्वस्थ हो गई मैं। यहाँ कोई ऑपरेशन, रेडिएशन और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ सिंपल थेरेपी चलता है, वो थेरेपी से इतना अच्छा आराम मिला। हम अपने सैकड़ों मरीजों के चेहरे पर सुकून की मुस्कान देखते हैं, उनको बेहतर इलाज देकर उनकी मुश्किलों को कम करते हैं, तो सपना सच होता है सर्वे संतु निरामया का, और मिलती है जिंदगी की खोई हुई उम्मीद की वापसी। कहना है देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के संस्थापक डॉक्टर अजय हार्डिया जी का। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करते हुए और 2019 के अंदर कैंसर पेन एंड पेलेटिव केयर सेंटर की स्थापना की। इसका उद्देश्य ये था कि ऐसे हमारे बीच ऐसे बहुत सारे कैंसर मरीज थे जो अपना एलोपैथी इलाज लेने के दौरान वो बहुत तकलीफ के साथ इस दुनिया से चले गए, और इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति ऐसी सिस्टम है जिसके द्वारा कैंसर को हम पेलेटिव केयर के साथ हम उसको पूर्ण रूप से क्योर भी कर सकते हैं। मध्य भारत की इंदौर शहर में स्थित 100 बेड का सर्व सुविधा युक्त अति विशेष अस्पताल, जो अपने मरीजों को देता है कैंसर से राहत और उनके जीवन को बनाता है प्रोलॉन्ग। डॉक्टर हार्डिया एवं उनकी समस्त टीम ने अपने तन और मन से जन सेवा ही ईश सेवा की सूक्ति को हर प्रकार से सार्थक करते हुए दी सैकड़ों कैंसर पीड़ितों को जीने की एक नई उम्मीद। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल।